हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ फॉल गाय। गेम से तुम फैमिलियर हो गई तो मैंने गेम प्ले डाल दिया, तो अब तक तुमको पता चल ही गया होगा इस गेम में क्या होता है। हमने लुक चेंज किया अपने कैरेक्टर का, तो पिछला गेम प्ले जिसने फॉल गाय का देखा होगा उसमें पता चल रहा होगा उसको। उसमें पिंक था, यहाँ पे हमने ब्लैक कर दिया इसको। तो ट्रैक को अपने को क्लियर करके फटाफट जो है कि जाना है, ताकि हम फिनिश लाइन तक पहुँच सके और इस राउंड को क्लियर कर सके। तो देखो, ईजी बिल्कुल भी नहीं है गेम। ईजी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा हार्ड होता जाता है। पहला लेवल तो मान लो क्लियर हो जाता है थोड़ा सा जो है, नॉर्मली पहला दूसरा राउंड तक मैं क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन आज तक जीता नहीं। तो अपन फिर ट्राई करते हैं इस गेम प्ले में दोबारा ट्राई करते हैं, शायद जो है कि जीत जाए हम लोग। चलते रहते हैं अपन, बढ़ते रहते हैं आगे फटाफट। और ये ट्रैक मैंने पार किया है कई बार, तो उतना हार्ड तो मतलब रहता है, तब इजी नहीं है, बट ठीक है थोड़ा सा। बच गए, बहुत सही बहुत सही। ये तो पहली बार यार, देखो लक्की होना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने वहाँ से वो हिट किया, अपने को जंप वम करना नहीं पड़ा, फटाफट अपन आ गए। यहाँ से ये लाइन में क्वालिफाई हो जाऊँगा। तो उस बंदे ने अपने को धक्का दे के क्वालिफाई कर दिया। देखो तुम इसमें धक्का भी दे सकते हो अगर तुम्हारी केसेस बन नहीं रही है। उसको लाओ साथ में गेम खिलाने, फिर उसके बाद उसको ट्रैक से बार बार पकड़ के धक्का दे दो। तो ये चीज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ खेल सकते हो, उसको इन्वाइट करके उन लोगों को। गेम तुमको एपिक गेम्स पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में वो अवेलेबल देता है इस टाइम, है कि नहीं शायद पता नहीं मेरे को, क्योंकि था जब मैंने पहली बार डाला था उस टाइम पे आया था। इस टाइम का चेक करना होगा मेरे को, अगले गेम प्ले में बता दूंगा फ्री है कि नहीं अभी। तो हम लोग पहली राउंड तो क्वालिफाई हो गए, हम लोग क्लियर कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट ट्रैक अपने को क्या देता है। इसमें कई ट्रैक्स ना नए रहते, देखो इसमें बहुत ज़्यादा जो है लगभग ट्रैक रहता है। ये शायद मैं पहली बार खेल रहा हूँ शायद, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने ये वाला ट्रैक कभी खेला कि नहीं। तो बहुत ढेर सारे तुमको ट्रैक्स देगा ये। ये नहीं कि जो है कि चार पांच, जैसे कुछ गेम में होता नहीं कि चार पांच ट्रैक फिक्स है भाई, उसी पे आपको जो है कि कम्पीट करना रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग तुमको नया नया मिलता रहेगा, तुम खुद ही नहीं जान पाओगे कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये जैसे ट्रैक है तो ये शायद मेरे को थोड़ा सा नया लग रहा है। देखते हैं अपन नेविगेट करते हैं तो पता चल जाएगा। फटाफट ये शकिंग होल में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से तो अपन चलते हुए फिर से पाइप में जाके और चलते हुए पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। देख रहे हो एकदम जैसे होता नहीं है कि कुछ पूरा मक्खी की तरह धक धक जो है कि कुछ मिल रहा बट रहा। तो फिसल के अपन यहाँ पे पहुंच गए दोबारा। फिर से जो है कि हमको पाइप में जाना रहेगा, फटाफट हम पाइप में चलते हैं। ये गेम देखो काफ़ी कंप्लीटिंग होता है, इजी बिल्कुल भी तुम एकदम इसको इजी नहीं समझ सकते। इजी ये गेम बिल्कुल भी नहीं रहता, तो ऐसी गलती तुम भाई समझ गए कि इजी है ये गेम तो अपन आराम से पास कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, बचे हुए अपन। यहाँ से देखो ये फिसल रहा है ना, थोड़ा सा जगह अपने को हार्ड हो रहा है। ठीक है, अभी तक बचे हुए हैं हम लोग। अरे नहीं यार, काफ़ी दूर था, काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया था। तो अपन बहुत सही। देखो धीरे धीरे मेरे को भी खेलना आ रहा है, धीरे धीरे ना मैं भी सीख जा रहा हूँ। ये यार पकड़ना था, पकड़ लेता तो मैं बच जाता आराम से। ये नहीं यार, ये बंद क्यों जा रहा है। तो अपन फिर से पाइप में चलते हैं राउंड। अरे यार ये क्या हो गया, इतना गंदा, नहीं देख रहे हो हवा में, बस 2 सेकंड, 1 सेकंड का काम था बस। नहीं यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में मतलब नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं अपन, इसको एग्जिट करते हैं, नेक्स्ट वाले पे ट्राई करते हैं। इतना मतलब बस 1 सेकंड का सोच रहे हो, बस 1 सेकंड का जो हो जाता अपन क्लियर कर लेते उसको। तो इसलिए मैं कह रहा था गेम काफ़ी कंपीटिंग रहता है। देखो एक तो जो है कि तुमको प्लेयर्स की वो लिमिट देता है कि इस जो है कि राउंड में बस इतने प्लेयर क्वालिफाई होंगे, और फिर उसके बाद जो है कि एक टाइम लिमिट भी, टाइमर भी चलता रहता है। देख रहे हो अपना कैरेक्टर काफ़ी जो है कि कूल लग रहा है, मस्त प्यारा सा अच्छा लग रहा है। शुरू में तुमको पिंक कलर सा नॉर्मल सा देगा वो कैरेक्टर, फिर उसके बाद थोड़ी देर खेलोगे तो अच्छा खासा जो है कि तुमको इन्हेंसमेंट ये सब देता रहता है वो चीज़।
एक बार अपन स्क्वाड ट्राई करते हैं फिर इस गेम को एंड करते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है कि सोलो एक बार खेलता हूँ फिर स्क्वाड ही खेलता हूँ गेम प्ले में। और इसमें हम लोग देखते हैं स्क्वाड में ये फ़ायदा रहता है ना कि अगर तुम क्लियर नहीं हुए तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि तुम्हारी टीम क्लियर हो गई तो तुम भी अगले राउंड में ट्रांसफ़र हो जाओ, इसलिए स्क्वाड का थोड़ा सा ये एडवांटेज रहता है अपने को। यहाँ पे ये ट्रैक शायद मैंने खेला है गेट क्रैश, आई डोंट नो, देखना होगा। तकेशी कासल की तरह रहता है ये गेट क्रैश, हाँ मैंने खेला। तो तकेशी कासल जिसको जिसको याद होगा भाई, जो 2000 के किड्स हैं मतलब बच्चे बच्चे सब, तो उनको तो पता ही होगा पोगो टीवी पे आता था शाम को या रात रात उसमें शायद आता था 8 या 9 बजे के आसपास तकेशी कासल आता था जावेद जाफरी की जो है कि डबिंग में मज़ा आता था उसमें। देखो एक गेट वाला था, गेट वाला फेवरेट रहता था क्योंकि इतना तेज सब दौड़ के आते थे ना, फिर गेट टूटा तो ठीक है आगे बढ़े पेपर वाला, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि अगर गेट नहीं टूटा तो मुंह के बल गिरते थे सब एकदम पूरा। अरे यार गेट बंद हो गया, तो वेट कर लेते अपन। ये गेट बहुत देखो स्पीड बढ़ती जा रही है गेट्स की, खुलने बंद होने की ना स्पीड जो है कि तुरंत बढ़ती जा रही है। मैं पीछे ना रह जाऊँ इसके चक्कर में, खुल ही नहीं रहा। अरे यार बहुत गंदा है ये। तो अपना स्क्वाड मैं ही सबसे पीछे हूँ क्या अपने स्क्वाड में यार? अरे नहीं यार, नहीं, राउंड ओवर का प्लीज क्लियर हो जाए। बहुत ही खराब दिन है आज सच्ची बता रहा हूँ, मैं 2-3 दिन बाद खेल रहा हूँ, बहुत ही गंदा दिन है, बहुत ज़्यादा। तो गंदा दिन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज जब अपना लक्की दिन नहीं है तो फिर रहन देना चाहिए, ज़्यादा जो है कि ट्राई नहीं मारना चाहिए। अपन कल के गेम प्ले में फिर से एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे कि जीत सकते हैं कि नहीं।